ओके लेट्स स्टार्ट वेयर वी ओके। तो पहले से स्टार्ट करते हैं क्लस्टर का क्रिएशन। क्या नाम दिया था हमने कल इसको, याद है किसी को? डीएस क्लस्टर दे देते हैं अभी के लिए, ठीक है। वी हैव विल बी चूजिंग द लेटेस्ट वर्जन। स्पार्क बंडल में क्या क्या चूज किया था हमने? डीबी नहीं किया था, हडूप कर देते हैं। सिर्फ स्पार्क चूज किया था क्या? स्पार्क एंड जुपिटर हब, जुपिटर, यस सर, स्पार्क और जुपिटर का सर, स्पार्क ठीक। चल स्पार्क और एंड जुपिटर जुपिटर, का सर। स्पार्क इंटरेक्टिव में। एक सेकेंड, कल स्पार्क में हमें सिर्फ दो ऑप्शन दिखा रहे थे ना, स्पार्क एंड जेपलिन। आज अपडेट हुआ है क्या ये? आई थिंक सो, मे बी। इफ यू वॉन्ट वी कैन सिलेक्ट दिस कॉम्बिनेशन ऑल्सो, ठीक है। चलो वील गो विथ दिस कॉम्बिनेशन। बट इट विल टेक टाइम फॉर हाइव टू इंस्टॉल एंड ऑल, सो लेट्स मूव अहेड विथ दिस। ओके, और क्या ऑप्शन था? हाँ, इंस्टेंस ग्रुप में हमने प्राइमरी एक M5X लार्ज ही लिया था। M5 लार्ज ले लेते हैं, थोड़ा पैसा बचेगा हमारा। क्या ऑप्शन है M5 लार्ज? हाँ मतलब एक्स लार्ज, मतलब ही लार्ज, टू एक्स लार्ज रहेगा। नहीं ठीक है, M5X लार्ज ले रहे हैं हम लोग। ओके, सेम सेम। 4 विल रिमूव इंस्टेंस टास्क नोड्स, ठीक है। विल बी चूजिंग दिस वन, द वीपीसी विच इज वर्किंग। ये सबनेट हैज बीन चूजन। 1 4 इंस्टेंस 2, 1 4 इंस्टेंस वी हैव चूजन। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू सबमिट एनी स्टेप एज ऑफ नाउ, ठीक है। स्टेप सबमिशन वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे, अभी तो सिर्फ क्लस्टर प्रोविजनिंग देख रहे हैं हम लोग। विच इज नॉर्मली वी डोंट डू इन आर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नॉट आर जॉब, ठीक है। नॉर्मली AWS की इंफ्रा टीम जो भी है वो खुद क्लस्टर प्रोविजन करके देती है, ठीक है। इन केस यू वॉन्ट टू टेस्ट सर्टन थिंग्स एंड यू आर क्रिएटिंग ट्रांजिएंट क्लस्टर, इफ यू हैव एक्सेस टू डू सो, तब आप करते हो उसे, ट्रांजिएंट क्लस्टर क्रिएट करते हो। ट्रांजिएंट क्लस्टर एक टर्मिनोलॉजी याद रखना, विच इज आस्क्ड इन इंटरव्यूज, ठीक है। मतलब कोई पूछता नहीं है ऐसे, लेकिन याद रख लो व्हाट इज ट्रांजिएंट क्लस्टर। मैं जब आपको इंटरव्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा उसमें आंसर होगा, ठीक है। लेकिन कहीं पे लिख के रख लो, खुद खुद की क्यूरियोसिटी से उसको सर्च भी करो, ठीक है। कुछ नहीं है, ट्रांजिएंट क्लस्टर इज बेसिकली नथिंग बट आपकी यूटिलिटी है वो खत्म होने के बाद उसको आप टर्मिनेट कर देते हो, ठीक है। अगर आप GOTO3 यूज कर रहे हो ना, इफ यू आर इनिशियलाइजिंग क्लस्टर विद द फंक्शन ऑफ EMR क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद वो उसमें स्टेप ऐड कर लिया, आपको प्रोसेसिंग खत्म हो गया, उसके बाद एंड में आप टर्मिनेट भी कर देते हो वहीं पे, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिएंट क्लस्टर, ठीक है। समझ में आया सबको ये? यस ट्रांजिएंट क्लस्टर मतलब क्या है, समझ में आया ना? ठीक है, ऐसे मतलब सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन है ये, तो याद रख लो, बस किसी ने पूछ लिया आपका भी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक आए थे राइट, हमने क्लस्टर टर्मिनेशन नहीं देखा था ना, एक्सप्लेन किया था कि ये नहीं सर, नहीं ना? हाँ ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, सो क्लस्टर टर्मिनेशन के दो ऑप्शन है हमारे, मैन्युअली टर्मिनेट क्लस्टर इफ यू चूज दिस ऑप्शन, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू योर सेल्फ टर्मिनेट द क्लस्टर, इट विल नॉट, इट विल बी इन अ वेटिंग स्टेज, ठीक है। अगर आपके एप्लीकेशंस भी अगर कोई रन नहीं हो रहे उस पे, जनरली क्या होता है, इफ देर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ एनी क्लस्टर, पहला तो होता है क्या होता है, स्टार्टिंग फेज होता है, जब हम लोग क्रिएट करेंगे ना अभी, तो वो स्टार्टिंग में जाता है स्टेट उसका,
उसके बाद वो जाता है बूटस्ट्रैपिंग में, आई थिंक प्रोविजनिंग में जाता है, बाद में बूटस्ट्रैपिंग में जाता है, बूटस्ट्रैपिंग के बाद वो वेटिंग में चला जाता है। वेटिंग मतलब वेटिंग फॉर यू टू ऐड स्टेप्स, मतलब जॉब सबमिट करो, ठीक है, जब आपने जॉब सबमिट किया वो रनिंग में जाता है। रनिंग के बाद इट डिपेंड्स ऑन दैट कि आपके रिट्राइज हो रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, उसके बाद वो स्टेट चेंज करता है। वंस योर एप्लीकेशन फिनिशेस एंड देयर आर नो लोड्स दैट आर देयर ऑन द क्लस्टर, वो फिर से वेटिंग स्टेज में जाता है, ठीक है। ये समझ में आई चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक यस सर, है ना। हाँ, तो अगर मैन्युअली टर्मिनेट क्लस्टर का ऑप्शन चूज करते हो, अंटिल एंड अनलेस यू योर सेल्फ टर्मिनेट दिस क्लस्टर, इट विल बी इन अ स्टेट ऑफ वेटिंग इफ यू डोंट हैव एनी जॉब्स दैट आर रनिंग ऑन द क्लस्टर, ठीक है। और देर इज सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, फॉर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट क्लस्टर आफ्टर आइडल टाइम, ठीक है, दिस इज रिकमेंडेड। वाई वाई डू यू थिंक सो दिस इज रिकमेंडेड? पहले तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट डज दिस मीन, ठीक है। आइडल टाइम के बाद आपका टर्मिनेट हो जाता है क्लस्टर। व्हाट इज आइडल टाइम? टाइम इन क्लस्टर विच देर इज नो इज नॉट वर्किंग ऑफ दैट क्लस्टर. वर्किंग, यस, मीन्स देर इज नो लोड ऑन द क्लस्टर। मीन्स इफ इट इज इन वेटिंग स्टेज फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम विच यू हैव मेंशन, इट विल ऑटोमेटिकली टर्मिनेट द क्लस्टर, ठीक है। मतलब ये रिकमेंडेड वे क्यों हो सकता है, बताओ। कुछ क्लस्टर अगर बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो यस, समटाइम व्हाट हैपेंस इज यू फॉरगेट टू टर्मिनेट द क्लस्टर आल्सो, ठीक है। इफ इट इज नॉट अ प्रोडक्शन क्लस्टर एंड यू डोंट वांट टू बी यू डोंट वांट टू बी प्रोविजनिंग इट फॉर 24/7 एंड यू वांट टू कीप इट रनिंग, उस केस में ठीक है, उस केस में आप मैन्युअली टर्मिनेट क्लस्टर करना ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यू आपके यूज केस के हिसाब से आप क्लस्टर प्रोविजन करते हो, जैसे आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, दिस इज वेरी मच रिकमेंडेड, ठीक है, क्योंकि आप कभी कभी भूल सकते हो ना। आपका कोई जॉब रन हो गया, आपने उसके रिजल्ट सेट देख लिए, लेकिन यू हैव फॉरगॉटन टोटली टू टर्मिनेट द क्लस्टर। इस केस में ये आपको एक कॉस्ट सेविंग का ऑप्शन है, ठीक है। तो इफ यू चूज दिस ऑप्शन नो, यू कैन प्रोवाइड द आइडल टाइम आफ्टर विच द क्लस्टर शुड ऑटोमेटिकली टर्मिनेट। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ आर्स, HH MM SS, यहाँ पे लिखा है देखो, ठीक है। 1 घंटे के बाद करना है, 30 मिनट्स के बाद करना है, दैट वी कैन प्रोवाइड, ठीक है। हम लोग कितने मिनट के बाद करेंगे, 30 मिनट्स के बाद करेंगे। चलो ये 3 हो गया, 33, 30 मिनट्स के बाद करेंगे, ठीक है। यू कैन प्रोविजन डेज ऑल्सो, कितने दिन के बाद करना है वो सब, ठीक है। आइडल टाइम मतलब समझ में आया सबको, व्हाट इज आइडल टाइम, ठीक सर यस सर, है। द यस सर, टाइम इन विच क्लस्टर हैज नो लोड, द टाइम फॉर विच क्लस्टर हैज नो लोड, ठीक है। नो लोड मतलब कोई भी एप्लीकेशन सबमिटेड नहीं है एंड क्लस्टर इज इन वेटिंग स्टेट, ठीक है। तो वी हैव प्रोविजन दिस टू ऑटोमेटिकली टर्मिनेट आफ्टर आइडल टाइम ऑफ 30 मिनट्स, ठीक है। व्हाट इज दिस टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, ठीक है, ये लिख लेते क्या हम लोग, हम लिख रहे थे क्या ये चीजें कल? हमने कवर की थी इसके पहले की चीजें सारी, कहाँ तक, कौन सा ऑप्शन था, क्लस्टर स्केलिंग एंड प्रोविजनिंग ऑप्शन, ओके, क्लस्टर स्केलिंग एंड प्रोविजनिंग, ठीक है। स्टेप्स, स्टेप्स का हेडिंग डाल के रख देते हैं, स्टेप्स भी होता है। व्हाट आर द स्टेप्स, नथिंग बट जॉब्स टू बी सबमिटेड टू जॉब्स टू बी सबमिटेड टू EMR क्लस्टर, राइट, उसको इन द फॉर्म ऑफ स्टेप बोल देते, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एबीसीडी, यस। तो जी पॉइंट क्या रहेगा हमारा, क्लस्टर
क्लस्टर टर्मिनेशन, चलो ये देख लेते हैं। देयर टू ऑप्शंस, क्या ऑप्शन थे दो? एक मैनुअल टर्मिनेशन, और एक है ऑटोमेटिक टर्मिनेशन। आफ्टर आइडल टाइम, ठीक है, ये एक रिकमेंडेड वे है। ओके ठीक है, ये समझ, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है चीजें। मेंशन आइडल टाइम इन HHMM SS फॉर्मेट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है आपका टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, तो इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो ये चीज याद रखो, इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन थ्योरेटिकली, ठीक है। तो टर्मिनेशन प्रोटेक्शन क्या है, देखो आपके गलती से देर इज अ फियर ऑफ क्लस्टर टर्मिनेशन बाय मिस्टेक, राइट। कभी कभी हो सकता है कि टर्मिनेट क्लिक हो गया और आप प्रोसीड कर गए, राइट, हो सकता है ना, या फिर आप CLI से कुछ कर रहे हो और टर्मिनेशन का कमांड क्लिक हो गया, हो सकता है, ऐसे गलतियां हो सकती है ऐसे किसी से, यस सर, Boto3 से भी हो सकता है। Boto3 आप देखोगे तो कभी कभी आपने समझो कोड में टर्मिनेट का ऑप्शन चूज, Boto3 से नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा ये CLI से होगा या मैन्युअली होगा कंसोल से, ठीक है। तो व्हाट वी वांट इज, इफ इट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट क्लस्टर, प्रोडक्शन क्लस्टर, यू डोंट वांट टू गेट इट टर्मिनेटेड बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक ऑफ वन पर्सन, ठीक है। तो देर इज अ टर्मिनेशन प्रोटेक्शन ऑप्शन, इफ यू इनेबल दिस यू विल नॉट बी एबल टू टर्मिनेट दैट क्लस्टर अंटिल एंड अनलेस यू टर्न दिस ऑप्शन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यूज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट यूर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम एक्सीडेंटल टर्मिनेशन, ठीक है। तो इफ यू चूज दिस ऑप्शन तो आप ना अपने क्लस्टर को टर्मिनेट नहीं कर पाओगे, अगर टर्मिनेट करना है तो यू विल हैव टू डिसेबल दिस ऑप्शन, देन यू विल हैव टू टर्मिनेट द क्लस्टर, ठीक है। अंटिल एंड अनलेस दिस टर्मिनेशन प्रोटेक्शन ऑप्शन इज इनेबल्ड यू विल नॉट बी एबल टू टर्मिनेट योर क्लस्टर, सिंपल है, ठीक है। मीन्स जब वो ऑटोमेटिक टर्मिनेशन का टाइम पे, उसके बाद ही वो ऑटो टर्मिनेट हो जाएगा फिर इस केस में ना। ऑटोमेटिक, ओके ओके, अगर टर्मिनेशन प्रोटेक्शन अवेलेबल है और ऑटोमेटिक, गुड क्वेश्चन एक्चुअली, विल हैव टू सी, लेट्स चेक इट, ठीक है, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी थिंक अबाउट। You have chosen both of these options, okay? I don't think so it will get terminated if there is termination protection enabled, ठीक है, चलो सर्च करते। ओके नॉर्मल टर्मिनेशन प्रोसेस शिफ्ट ड्यू टू एक्सीडेंटल अनडिजायर्ड टर्मिनेशन के,
इट शुड ओवरराइड द टर्मिनेशन में इंक्लूडिंग ऑर्डर. देखो, देखा आपने, इफ टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इज इनेबल्ड इट शुड ओवरराइड द अदर टर्मिनेशन अटेम्प्ट्स इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक टर्मिनेशन ड्यू टू इट. ठीक है, रिजॉल्व योर क्वेरी. यस ठीक है ना? हाँ, मतलब लॉजिकली तो वही होना चाहिए ना. अगर टर्मिनेशन प्रोटेक्शन है तो किसी से भी नहीं होना चाहिए वो टर्मिनेट, राइट? चलेगा. तो व्हाट इज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, कैन एनीवन टेल मी? इफ दिस ऑप्शन इज, चलो, इफ इनेबल्ड देन it prevents termination of protects from accidental termination. ठीक है, and one more thing, to terminate we need to disable this option first. ऑप्शंस फर्स्ट. ठीक है, ओके ओके. यस, एंड इफ टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इज इनेबल्ड इट शुड ओवरराइड द अदर टर्मिनेशन अटेम्प्ट्स इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक टर्मिनेशन ड्यू टू आइडल टाइम. ठीक है, चलो, 3 पॉइंट हो गए. तो अभी के लिए तो हम लोग इसको डिसेबल ही कर दे, क्योंकि हमें क्लस्टर को टर्मिनेट करना ही है. ठीक है, तो इस फिर से जाके चेंज करो, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन डिसेबल करके फिर से टर्मिनेट करो. उससे अच्छा है यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट नहीं कर. डू यू वांट मी टू डेमोन्स्ट्रेट वेदर इट गेट्स टर्मिनेटेड व्हेन वी अटेम्प्ट इट टू टर्मिनेट? अदरवाइज यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन. कुछ नहीं है, बेसिक ऑप्शन है, जस्ट इनेबल दिस ऑप्शन, प्रोविजन करो क्लस्टर को, उसके बाद मैन्युअली टर्मिनेट करने का ट्राई करो. इट विल थ्रो एन एरर, एरर नहीं, एक मैसेज देगा कि टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल है, सो यू कैनॉट टर्मिनेट दिस इंस्टेंस. इफ यू वॉन्ट टू टर्मिनेट इट, डिसेबल दैट ऑप्शन. सब कुछ पॉपअप आएगा. ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत नेसेसरी चीज है डेमॉन्स्ट्रेट करने लायक. आपको लगता है क्या? लगता होगा तो कर लेते हैं, नॉट एन इश्यू. ठीक है, चलो, बूटस्ट्रैप का ऑप्शन है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू डू इट ऑन योर. बूटस्ट्रैप के लिए चैट जीपीटी से कोई फाइल ले लो. ठीक है, उससे पूछो चैट जीपीटी से, प्रोवाइड मी बूटस्ट्रैप फाइल फॉर इंस्टॉलिंग सर्टेन डिपेंडेंसीज लाइक पाइथन और कुछ भी आज जो आपको लगता है कि ये इंस्टॉल करना है मुझे. उसके लिए एक बूटस्ट्रैप फाइल बना के देने बोलना चैट जीपीटी को, टू गिव इट टू ईएमआर क्लस्टर. ठीक है, तो वो फाइल आपको एक एसिड लोकेशन में डालनी है. ठीक है, और वो फाइल या उसका पाथ यहाँ पे ऐड करना, बस ये आपको खुद को करना है बूटस्ट्रैप एक्शन. ठीक है, कर लोगे? यस सर, यस सर, ये कर लो. यस सर, सो दैट मतलब आपको खुद से भी वो कुछ चीजें करनी आनी चाहिए. ठीक है, तो ये कर लो बूटस्ट्रैपिंग का. वेन एवर यू विल बी लॉन्चिंग द इंस्टेंस ना, उसी टाइम कर लो ना, ज्यादा पैसे खर्च मत करो इसमें. इफ यू हैव क्रेडिट्स देन नॉट एन इश्यू. ठीक है, लेकिन अगर नहीं है ना किसी के पास, तो बहुत बार क्लस्टर प्रोविजनिंग पे ये मत करो, पैसा वेस्ट मत करो. ठीक है, मेरे पास क्रेडिट नहीं है वैसे अभी, तो मैं नहीं खर्चा करूंगा अभी. क्लस्टर लॉक्स नेक्स्ट ऑप्शन. बूटस्ट्रैप लिखना है क्या? ओके, चलो लिख लेते हैं. जी के बाद क्या क्या आता है? जीएच. हाँ, क्या था? बूटस्ट्रैप. बूटस्ट्रैप ऑप्शन कोई समझा सकता है मुझे बूटस्ट्रैप ऑप्शन क्या है? बताओ, डिक्टेट करो. सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन टू इंस्टॉल
software dependencies during building of cluster. Yes, cluster provisioning. सर बैकएंड में चलेंगे नहीं प्रोसेस क्या क्या बैकएंड में चलेंगे ना बूटस्ट्रैप यस 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 वो जब आपका वो मैंने बोला ना अभी स्टेजेस आते हैं आपके क्लस्टर के स्टार्टिंग के बाद प्रोविजनिंग आता है प्रोविजनिंग के बाद बूटस्ट्रैपिंग आता है तो ये जो आपकी डिपेंडेंसी है ना वो बूटस्ट्रैपिंग स्टेज में इंस्टॉल होती है ठीक है नॉट जस्ट दिस डिपेंडेंसी मैंने कल बोला था एक चीज कि आप जो एप्लीकेशन बंडल चूज कर रहे हो दोज आर ऑल्सो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज राइट वो भी तो आपके हार्डवेयर पे इंस्टॉल करनी पड़ती होगी तो वो बूटस्ट्रैपिंग फेज में जाता ही है क्लस्टर कभी भी ठीक है दिस इज एडिशनल सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरीज दैट यू वॉन्ट टू इंस्टॉल अलॉन्ग विथ दोज एप्लीकेशन बंडल समझ में आया तो बूटस्ट्रैपिंग स्टेज में जब जाता है आपका कोई भी नोड तब ये डिपेंडेंसीज उस टाइम पे एग्जीक्यूट होती है ठीक है क्या है नेक्स्ट ओके क्लस्टर लॉग्स ठीक है दिस इज आल्सो ऑप्शनल थिंग ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है ना क्लस्टर लॉग्स क्या हो सकते हैं बोलो कैन कॉन्फिगर S3 लोकेशन टू स्टोर लॉग्स ऑफ क्लस्टर एक्टिविटी ठीक है एक्टिविटी यस ठीक है ये ऑप्शन हो गया हमारा ये ऑटोमेटिक क्रिएट भी करता है इफ यू वांट टू राइट इट एट योर डेजिग्नेटेड लोकेशन यू कैन चूज ठीक है बट आई डोंट वांट टू डू दैट लेट इट कीप इट ऑन इट्स ओन ठीक है तो ये खुद से अपनी बकेट क्रिएट करता है और उसमें रख देता है ठीक है तो आप अगर देखोगे ना बहुत सारी हर सर्विस में ना उसके देखो ग्लू में उसने अपने लॉक्स के लिए क्रिएट किया है इसमें किस चीज के लिए किया है उसने देखो इसमें क्या है या IAMR के लिए किया है इस ठीक है तो उसको करने दो खुद से इफ यू वांट योर लॉक समवेयर एंड यू वांट टू क्वेरी इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन यू कैन ब्राउज दैट लोकेशन हियर ठीक है ठीक है इफ यू वॉन्ट टू इनक्रिप्ट द क्लस्टर स्पेसिफिक लॉग तो यू कैन यूज दिस ऑप्शन ठीक है आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट दैट्स व्हाई आई एम मूविंग ऑन क्लस्टर लॉग्स हो गया टैग्स यार टैग्स के बारे में समझ में आया है क्या सबको मैंने टैग्स एक्सप्लिसिटली कभी बताया नहीं व्हाट आर टैग्स की वैल्यू पेयर में होता है वो तो फ्यूचर में अगर हमें कुछ ट्रैक करना है किसी चीज के बारे में तो वो यूजफुल होगा ओके इसको यूज कहाँ पे करोगे आप वी कैन यूज देम एज आइडेंटिफायर्स एग्जैक्टली कहाँ पे दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कहाँ पे करोगे क्लाउड वॉच यस क्लाउड वॉच और रिसोर्स मॉनिटरिंग कहाँ पे लगती है सबसे ज्यादा आपको बिलिंग बिलिंग एग्जैक्टली सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन टैक्स का ना बिलिंग है इफ यू सब मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं है लेकिन बिलिंग में आपको पता पता करना है समझो कि मेरे ये वाले रिसोर्स ने कितना पैसा खाया मेरा तो यू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड इट फ्रॉम टैग ठीक है तो अब भी जो क्लस्टर प्रोविजन कर रहा हूँ मैं तो मेरे ये क्लस्टर का कितना पैसा लग रहा है मुझे अगर ये चाहिए तो आई विल राइट something related to this cluster and for which application it is being used for and I'll understand ki wo applications ke liye kitna paisa lag raha hai theek hai when I'll be submitting the steps at that time also I'll be able to add tags also theek hai to tum tag isliye add karte ho just to identify kis cheez ke liye kya kya
रिसोर्सेस अलोकेट हुए हैं या फिर कितना बिल लगा है, ठीक है। तो आई एम नॉट एडिंग एनी टैग, ठीक है। तो इसमें देखो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है। अगर आप हमें SSH करना है मास्टर में समझो, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग EC2 की पेयर। हमें पता है SSH कैसे करते हैं EC2 इंस्टेंस में, पता है क्या हमें? कितने यस लोगों को पता है हैंड रेस्ट? हैंड रेस्ट करो। आई वांट टू सी कि मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं तो भी आपको पता है समझो, तो अच्छी बात है। हैंड रेस्ट करने दो सबको, बीच में कोई बोलना नहीं है। पिछले सालों के मैंने क्लास में पढ़ाया था क्या SSH into any EC2 instance? कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द सेशन, ठीक है। अगर बोलना नहीं है तो सेशन में रहना भी नहीं। ऋषिकेश यार, पवन हल्दे, आपने अब भी हैंड रेस किया मेरे सामने, अब तक क्या कर रहे थे आप? अनम्यूट करो खुद को। कैन यस यू एक्सप्लेन मी हाउ टू SSH इनटू एनी EC2 इंस्टेंस? सर, वो CLI का यूज करके जाता हाँ, कैसे, मतलब क्या 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 है। क्या चीजें लगती है? कैन यू टेल मी टू स्पेसिफिक की वायर? का पार्ट ओके, यस, देना पड़ता हाँ, है, और वो ECT यूजर ओके, ठीक है, ठीक है। मतलब आपको SSH कमांड पता है, राइट? यस SSH हाइफन आए EC2 की पेयर पाथ, देन EC2 यूजर का DNS एड्रेस, ठीक है। हाँ यस हाँ ठीक है, चलो। पहले हैंड रेस क्यों नहीं किया? मैं जब देखने आया नीचे तब हैंड रेस क्यों किया आपने? वैसे आप बताए तभी। नहीं, मैं पहले किया था, फिर वो मुझे लगा कि वो हिस्ट्री में किया है, तो आयन में किया ऐसे लगा था मुझे, क्योंकि CLI हमने आयन में ज्यादा यूज किया नहीं, ऐसे कॉन्फिडेंट बनो यार, आंसर आता है तो हैंड रेस करो ना। मुझे कैसे पता चलेगा आपको आता है ये? ठीक है, तो हैंड रेस करा करो, जब आता है तब करो। अगर गलती करते हो तो दैट इज ओके, आई विल अंडरस्टैंड कि आपने ट्राई किया है, समझ में नहीं आया, वो बात अलग होती है, ठीक है। गलती से मत डरो, मतलब इफ यू आर कंसर्न अबाउट वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग डेली, ठीक है। चलो, बाकी लोगों को पूछने का कोई मतलब नहीं है। बाकी लोग क्यों नहीं आता है यार SSH? सचिन शर्मा, मैंने किसी को सर। हाँ पूछा था, ऋषिकेश को, उसको रिमूव करता हूँ मैं। ऋषिकेश, डू यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ? सचिन शर्मा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? सर, आपने किया है क्या ट्राई SSH करना?
EC2 सर किया आपने? हाँ हाँ सर, ऐसे सर्च किया है वो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके करना तो आपने हैंड रेस क्यों नहीं किया फिर? सर, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था ऐसे सर्च वाला। ओके, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? ठीक हाँ सर डेली कर दूँ। है ठीक है। सूरज गायकवाड़। कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? सर यस सर, हेलो। SSH नहीं आता है आपको? यस सर, मैंने SSH, लेकिन अभी उसका कमांड एक बार ब्रशअप करना पड़ेगा मुझे। हाँ ठीक है यार, कमांड मैंने पूछा क्या? नहीं सर, तो क्या है SSH मतलब? सर अपन उसको कमांड प्रॉम्प्ट पर रन कर सकते हैं सर। हाँ मतलब उसका मतलब क्या है? वो व्हाट डू यू मीन बाय डूइंग SSH इनटू वन इंस्टेंस? आई एम नॉट आस्किंग यू कमांड, जस्ट एक्सप्लेन मी व्हाट इज SSH। कैन यू टेल मी पोर्ट नंबर ऑफ SSH? नो सर, व्हाई? दिस इज नॉट कमांड राइट, दिस इज जस्ट अ बेसिक थिंग। If you have created a security group, you must have observed what is SSH port number. Are you coming to class regularly? Sorry? यस सर, यस सर, यस सर। फिर भी नहीं आता है मतलब? तो यार बहुत ज्यादा वरीसम चीज है। क्या करते हो क्लास में आके? पढ़ो यार, पढ़ो। यस सर, छोड़ दो, जिनको नहीं करना था वो नहीं करेंगे। और 10 लोग ऐसे हैं कि पहले नहीं किया था हैंड रेस, जब मैं पूछने आया ना तब उन्होंने हैंड रेस किया है। तो उनको तो भगवान ही बचाए, बाकी लोग का ठीक है यार, एटलीस्ट जेन्युइनली हैंड डाउन रखा है उन्होंने। ठीक है चलो ना। सो फॉर डूइंग SSH यू विल हैव टू प्रोवाइड अ की पेयर, ठीक है? एंड आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन वो हम देख सकते हैं, ठीक है? चलो ओपन कर लेते, क्या ऑप्शन है देखो इसमें। बस दिस इज रिलेटेड टू योर इंक्रिप्शन एंड ऑल, ठीक है? इफ यू वॉन्ट, मतलब क्या होता है कभी कभी आपको कुछ चीजें कॉमनली यूज करनी है, समझो जैसे आपकी KMS कीज वगैरह है, तो यू क्रिएट अ सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। एक जैसे हम लोगों ने जैसे पेम फाइल क्रिएट करके रख दी, फॉर मतलब कभी भी कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना रहा हमें तो हम लोग वही पेम फाइल यूज कर रहे। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू योर सिक्योरिटी ग्रुप्स ऑल्सो, ठीक है? तो कभी कभी हमारे मल्टीपल एप्लीकेशन में एक टाइप की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू योर सिक्योरिटी कॉन्फिग्रेशन ऑल्सो, कि अगर मुझे सेम टाइप का सिक्योरिटी कॉन्फिग्रेशन चाहिए तो आई विल बी क्रिएटिंग दिस सिक्योरिटी कॉन्फिग्रेशन फ्रॉम हियर, देर इज दिस ऑप्शन, ठीक है? और यही मैं हर बार यूज करूंगा। वॉट इज दिस कस्टम सेटिंग्स वगैरह क्या है, इतना डिटेल में जाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इग्नोर दिस ऑप्शन, ठीक है? हम लोग प्रोविजनिंग का पार्ट नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट दिस थिंग्स। हमारा मेन काम है ना कि क्लस्टर, प्रोविजन क्लस्टर पे हमें अपने एप्लीकेशन सबमिट करने हैं, उसका आउटपुट बराबर आ रहा है या नहीं वो देखना है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं वो देखना है। विल बी क्वेरिंग द लॉग्स टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर, वेयर आर एप्लीकेशन इज फेलिंग और वेयर एनी स्टेप इज फेलिंग। ये सब काम हमारे हैं, ठीक है? हम लोग यूज कर रहे हैं क्लस्टर को, प्रोविजन नहीं करते जनरली। व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द क्लस्टर गेट्स प्रोविजन इज बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि देर इज नो प्रॉब्लम विथ योर एप्लीकेशन बट द क्लस्टर, ठीक है? कभी कभी हो सकता है राइट, आपके एप्लीकेशन में कोई इशू नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई रेफर टू एप्लीकेशन, व्हाट व्हाट डू आई मीन बाय एप्लीकेशन? बोल सकता है कोई एप्लीकेशन मतलब क्या है?
स्पार्क आप ग्रोथ जॉब्स है। ये कोई भी जॉब, सॉर्ट ऑफ जॉब जो भी होता है ना आपका, डेटा प्रोसेसिंग का वर्कलोड है, उसको हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल जॉब, जॉब्स इनटू स्टेजेस, स्टेजेस इनटू टास्क। ये पता है ना, पार्क टर्मिनोलॉजी है यस सर, ये पता है सबको, ये स्पार्क बहुत क्या था फ्रीक्वेंटली सर? पूछा जाता है। हाँ, क्वेश्चन, व्हाट इज एप्लीकेशन, व्हाट आर जॉब्स, ठीक है, व्हाट इज स्टेज, व्हाट आर टास्क, और कुछ होता है क्या उसमें? यही है ना, और कुछ है इसमें? कैन इज देयर एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी ऑल ऑल ऑफ दिस फोर थिंग्स? ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो, लेकिन ये कर लो, ठीक है, खुद से कर लो। ये बेसिक क्वेश्चन है यार, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अगर आपको इंटरव्यू में नहीं आते हैं ना, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है, आपको आने चाहिए। तो फॉर डूइंग SSH वी हैव एडेड इसी टू कीप एयर, बट आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू डू इट ऑन योर ओन। SSH वी कैन डू इट, नॉट एन इशू, बट आप खुद से कर लो यार ये SSH का। ठीक है, मास्टर आइडेंटिफाई करना है, और मास्टर से क्या करना है आपको पता ही है। फिर पता है क्या सबको जिन्होंने हैंड रेस किया है ना? दे विल बी एबल टू डू इट ऑन देयर ओन, राइट? हाँ या ना बोल दो कोई। ठीक, सर यस सर, चलो अभी यहाँ पे आता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ IAM रोल्स। तो EMR सर्विस रोल, व्हाट इज दिस EMR सर्विस रोल? हमने लिखी है क्या चीजें इसके पहले? बूटस्ट्रैप के बाद क्लस्टर लॉग लिखा था हमने, टैग्स छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये लिख लेते हैं अभी, इम्पोर्टेंट है। इसमें मल्टीपल IAM रोल्स क्यों देते हैं हमें ये समझना है। ठीक है, थ्योरेटिकल चीज है, ज्यादा उसका ये नहीं है, इन जस्ट ठीक है। तो फर्स्ट वन इज योर EMR सर्विस रोल। ठीक है, व्हाट इज इट्स यूटिलिटी? EMR सर्विस रोल की यूटिलिटी यही पे लिखिए। देखो, IAM रोल दैट EMR अज्यूम्स टू प्रोविजन रिसोर्सेस एंड परफॉर्म सर्विस लेवल एक्शन विद अदर AWS रिसोर्सेस। समझ में आया? आई राइट इट हियर एंड एक्सप्लेन। उधर से ही कॉपी करते हैं हम लोग। दैट इज अ गुड एक्सप्लेनेशन दे हैव डन। ठीक है, प्रोविजन रिसोर्सेस एंड परफॉर्म सर्विस लेवल एक्शंस विद अदर AWS सर्विसेज। ठीक है, तो जो भी प्रोविजनिंग के टाइम पे जो भी एक्सेसेस लगते हैं EMR को, वो सारे सर्विस रोल में आपको देने होते हैं। ठीक है, इफ यू वांट योर EMR टू एक्सेस S3 फॉर स्क्रिप्ट लोकेशन और समथिंग लाइक दैट, फॉर इनपुट लोकेशन, फॉर आउटपुट लोकेशन, ठीक है, या फिर कोई डिपेंडेंसी बूटस्ट्रैपिंग कर रहे हो, उसकी कोई फाइल S3 में रखी है, तो उसके लिए उसको S3 का एक्सेस चाहिए। फॉर ऑल दोज थिंग्स योर EMR सर्विस रोल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आगे वाला सब कौन सा रोल है देखते हैं हम लोग। द नेक्स्ट वन इज, तो विल बी सिलेक्टिंग दिस EMR डिफॉल्ट रोल फॉर दिस। ठीक है, तो आपको ना ये रोल्स मैंने पहले से क्रिएट करके रखे हैं। डू यू वॉन्ट, मतलब आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर दिस रोल्स आर। ठीक है, व्हेन यू विल गो टू रोल्स नाउ, यू विल बी सिलेक्टिंग, व्हेन यू क्रिएट दिस रोल, क्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस AWS सर्विस एंड चूज हियर एज EMR। ठीक है, EMR डाल दो। देर आर थ्री ऑप्शन, अब EMR क्लीनअप का भी ऑप्शन आता है, आई डोंट नो वाई इट इज नॉट शोइंग। ठीक है, EMR का ऑप्शन चूज कर लिया, तो ये हाँ इधर है EMR का ऑप्शन, क्लीनअप का ऑप्शन। ओके, तो आपको अगर आपके प्रोविजनिंग के टाइम पे चाहिए सर्विस रोल के हिसाब से, तो आप ये EMR का ऑप्शन चूज करोगे। एंड EMR रोल फॉर EC2, यहाँ पे देखो, अलाउ EC2 इंस्टेंसेस इन EMR क्लस्टर टू कॉल AWS सर्विसेज सच एज S3 ऑन योर बिहाफ। इसका इंपॉर्टेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। व्हाट इज दिस इंस्टेंस प्रोफाइल फॉर EC2 इंस्टेंस प्रोफाइल फॉर EMR? जब ये रोल क्रिएट करोगे ना,
ये रोल के लिए सेकंड ऑप्शन चूज करना, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? ये कितने लोगों को चीज समझ में आ रही है बोलो। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन आई कैन। समझ में आया है? अरे बोलो बोलो, हेजिटेट मत करो, मैं फिर से समझा सकता हूँ। ठीक है, फिर से समझाता हूँ, समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये ईएमआर सर्विस रोल है ना, दिस इज नीडेड फॉर योर प्रोविजनिंग स्टाफ। ठीक है, प्रोविजनिंग के लिए जो भी चीजें चाहिए, तो उस रोल को अगर क्रिएट कर रहे हो ना आप, तो अलाउ ईएमआर टू कॉल एडब्ल्यूएस सर्विसेज सच एज इसी ऑन योर बिहाफ। ठीक है, ये ईएमआर के लिए रोल दे रहे हो, ईएमआर के लिए परमिशन दे रहे हो। ठीक है, जो सेकेंड रोल है यहाँ पे, दिस इज ईसी टू इंस्टेंस प्रोफाइल फॉर ईएमआर, ये लिख लेते हैं हम। तो व्हाट इज दिस, ये क्या है, आपके जो ईएमआर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ईसी टू इंस्टेंसेस भी रहेंगे, राइट? ईएमआर सर्विस को आपने रोल दे दिया, लेकिन ईसी टू इंस्टेंस को भी तो रोल देना पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी रोल दे रहे हो, ठीक है, क्यों दे रहे हो इंस्टेंस प्रोफाइल रोल? टू प्रोवाइड एक्सेस ऑफ अदर एडब्ल्यूएस सर्विसेस टू ईच ईसी टू नोड ऑफ ईएमआर क्लस्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी कुछ? अच्छा समझ में आ रहा है, राइट? ठीक है, तो मैंने इतना ही बोला सिर्फ कि ये देखो, मैंने यहाँ पे ईएमआर डिफॉल्ट बोल दिया, उसमें मेरी अगर परमिशंस देखोगे तो वो रिलेटेड टू दिस है। ठीक है, और जब ईएमआर ईसी टू सर्विस ईसी टू डिफॉल्ट रोल है, उसमें वो मैंने इसके ये ऑप्शन चूज करके क्रिएट किया है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने आप एक पॉलिसी अटैच कर देता है ये, जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं वॉट एवर रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग, वो अपने आप अटैच कर देता है वो पॉलिसी। ठीक है, तो उसके बाद भी कुछ परमिशंस रिक्वायर्ड होगी तो वो आपको एक्सटर्नली देनी पड़ेगी, लाइक S3 का एक्सेस, ईएमआर का फुल एक्सेस अगर देना होगा किसी चीज को, वो अलग से देना पड़ता है आपको। ठीक है, विल सी दैट, ठीक है, बाद में देखते हैं वो। तो ये दोनों चीजें समझ में आई कि हम लोग ईएमआर सर्विस रोल क्यों दे रहे हैं, और ईएमआर इंस्टेंस प्रोफाइल इसी टू इंस्टेंस प्रोफाइल फॉर ईएमआर क्यों दे रहे हैं। कोई मुझे समझा सकता है क्या? इट इज ओके टू कमिट मिस्टेक, ठीक है, और एक थर्ड भी रोल है, मैं उसको भी समझाऊंगा। कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दिस थिंग? हाँ चिन्हों में समृद्ध यस यस बोलो। है। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू असाइन आईएम रोल्स फॉर ईएमआर स्पेसिफिकली। द फर्स्ट वन वुड बी अ डिफॉल्ट रोल फॉर ओनली ईएमआर एंड द यस सर्विसेज रिलेटेड टू द ईएमआर। सेकंड वुड बी इंक्लूसिव ऑफ ईसी टू व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्सेस एन ईसी टू सर्विस फ्रॉम द ईएमआर। राइट राइट राइट, नॉट जस्ट एक्सेस एन ईसी टू सर्विस फ्रॉम ईएमआर, बट यू विल बी परफॉर्मिंग एक्शन फ्रॉम ईसी टू ऑल्सो, राइट? बिकॉज राइट क्लस्टर के नोड्स भी तो एक पार्ट है, दैट दे विल रिक्वायर एक्सेस टू S3। देखो, अब आप ईएमआर क्लस्टर, ईएमआर सर्विस को अलग से देखो और ईएमआर के क्लस्टर के नोड्स को अलग से देखो। जब ईएमआर के क्लस्टर पे एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है, तो इट अगर हमने S3 से इनपुट लोकेशन लिया है, ठीक है, तो ईएमआर का नोड एक्सेस करेगा, राइट? S3 राइट मतलब EC2 का इंस्टेंस एक्सेस कर रहा है उसको, नॉट ईएमआर एज अ सर्विस, राइट? राइट मेकिंग सेंस? बाकी लोगों को गॉट समझ में आया क्या? समरूद ने करेक्ट बोला है, मैंने उसको बस मॉडिफाई किया। ठीक है, तो ये चीज में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हेन यू विल वॉच यूट्यूब वीडियो, अभी आप पढ़ते हुए देखोगे ही, यू विल रीड अबाउट इट। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे ना आपको थोड़ा इजी करके दे रहा हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि इसमें डिफरेंस क्या है। द क्वेश्चन में अराइज, राइट, क्यों क्यों हम लोग मल्टीपल रोल्स दे रहे हैं, एक रोल से क्यों नहीं हो रहा है सब कुछ? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दैट थिंग? फर्स्ट रोल इज फॉर द ईएमआर सर्विस एंड द यस सेकेंड रोल इज फॉर द ईसी टू इंस्टेंस, सो दैट ईसी टू इंस्टेंस कैन गेट द परमिशन फॉर द अदर सर्विसेज।
यस करेक्ट 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 करेक्ट, मतलब जब आप आपका क्लस्टर कुछ भी परफॉर्म कर रहा होगा ना, तब EC2 इंस्टेंसेस को भी तो परमिशन लगेंगे ना। सिर्फ EMR सर्विस रोल का मेन रोल ना प्रोविजनिंग के टाइम पे, प्रोविजनिंग के टाइम पे EMR विल नीड टू एक्सेस सर्टन रिसोर्सेज फ्रॉम अदर थिंग्स, लाइक बूटस्ट्रैप एक्शन के लिए उसको फाइल उठानी है S3 से, तो उसको S3 फुल एक्सेस लगेगा, मतलब जो भी S3 का रीड एक्सेस लगेगा, जो भी लगेगा, राइट? तो वो सर्विस रोल इज रिलेटेड टू प्रोविजनिंग पार्ट एंड क्लस्टर के रनिंग पार्ट, लेकिन क्लस्टर का प्रोसेसिंग का पार्ट जो है, इट डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल नोड ऑफ दैट क्लस्टर, एंड ईच इंडिविजुअल नोड ऑफ दैट क्लस्टर इज एन EC2 इंस्टेंस। तो EC2 इंस्टेंस एक अलग सर्विस है, तो EC2 इंस्टेंस के लिए आपको अलग से रोल लगेगा, राइट? हाँ ठीक है, तो आप इसको ना, मैं सिंपली अगर समझाओ ना, आप जब क्लस्टर प्रोविजन करते हो ना, उसमें जो मल्टीपल नोड्स दिख रहे हैं ना, यू विल बी एबल टू सी दोज नोड्स इन EC2 सर्विस ऑल्सो। व्हाई यू आर एबल टू सी दोज नोड्स इन EC2 सर्विस? वी आर गिविंग द इंस्टेंस, एक्सेस और परमिशन। यस, मतलब हाँ, मतलब एक्सेस परमिशन का नहीं, लेकिन जब EMR भी EC2 के इंस्टेंसेस प्रोविजन कर रहा है, वो EC2 सर्विसेज का ही तो बेस है ना। मतलब EMR क्लस्टर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस विच हैव बीन प्रोविजन फ्रॉम विच हैव बीन बोरोड फ्रॉम EC2 सर्विस, राइट? जैसा अंडरलाइंग अंडरलाइंग बेसिस ऑफ एनी क्लस्टर इज, मतलब एनी EMR क्लस्टर इज EC2 सर्विस ओनली, राइट? समझ में आ रहा है ये? जैसा कंफ्यूजन बढ़ गई है इसकी वजह से मैंने जो बोला अभी, अगर बढ़ भी गई है ना तो थोड़ा पेशेंस रखो, बाद में थोड़ा क्लियर हो जाएगा चीजें, ठीक है? यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, यू विल रिमेम्बर दिस थिंग्स लेटर जब पढ़ रहे होंगे आप, ठीक है? जो भी चीजें देखोगे, यूट्यूब वीडियो देखोगे या फिर कोई चीज पढ़ोगे ना, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू विल रिमेम्बर दिस फैक्ट एटलीस्ट। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, आई डोंट वॉन्ट टू कंफ्यूज यू रिगार्डिंग दिस, बट इफ यू हैव एटलीस्ट ओवरहर्ड अबाउट दिस थिंग ऑल्सो, यू विल रिमेम्बर इट इन लेटर, रिमेम्बर इट वेन यू आर स्टडिंग अबाउट इट, ठीक है? तो दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल, अदरवाइज आई वॉन्टेड टू इग्नोर दिस पार्ट। द थर्ड वन इज कस्टम ऑटोमेटिक स्केलिंग रूल, सर। हेलो सर, बोलो बोलो। सर आपने मतलब ये चीज नहीं बताई कि मतलब दोनों चीज एक ही रोल में क्यों नहीं हो सकती सर। यार दो अलग सर्विसेज है, कैसे? ओके, तो मतलब एक ही रोल को दोनों दोनों सर्विसेज का एक्सेस नहीं दे सकते क्या सर आपने? क्या बोल रहे हो? दोनों मतलब दोनों जो सर्विस है वो एक ही रोल हाँ, में नहीं हो सकती क्या? मतलब एक ही रोल को दोनों सर्विस का एक्सेस नहीं दे सकते क्या सर? वाई वुड यू डू दैट? सिंपल कॉमन सेंस है, राइट? अगर एक रोल बनाओगे, उसमें EC2 का भी चूज करोगे और EMR को भी चूज करोगे, तो EMR को जो EC2 के एक्सेसेस दे रहे हो वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे और EC2 को भी EMR के एक्सेसेस प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज वहां पे ही तो ब्रीच हो रहा है ना, हाँ राइट? ओके कॉमन सेंस है, तो मैं वही पॉइंट पे अभी आ रहा था, ठीक है? तो ये देखो, ये थर्ड थर्ड रोल है कस्टम ऑटोमेटिक स्केलिंग रोल, ठीक है? तो ये अलग से क्यों दिया बताओ? ये EMR सर्विस रोल में दे सकते थे, जैसे आपने बोला कि इसको और इसको मर्ज क्यों नहीं किया फर्स्ट और सेकंड को, वैसे इस थर्ड को भी मर्ज कर सकते थे हम लोग फर्स्ट के साथ। देर हैज टू बी सम बेसिस, राइट? व्हाई दिस ऑटोमेटिक स्केलिंग रोल इज गिवन डिफरेंटली? बोलो बोलो, एंड दिस इज ऑप्शनल, हाँ दिस इज ऑप्शनल, जस्ट कीप इट इन माइंड, ये ऑप्शनल है। इससे कुछ हिंट मिल रही है क्या आपको? मैंने अभी कुछ बोला, द लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, कैन यू एक्सप्लेन मी द सिनारियो वेयर दिस विल ब्रीच द मर्जिंग ऑफ दिस टू रोल्स, लाइक सर्विस रोल एंड ऑटो स्केलिंग रोल विल ब्रीच द लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल? मुझे सिर्फ यस, इतना बताओ दोस टू रूल्स कैन ब्रीच द प्रिविलेज। क्या तो क्या, फिर से बताओ। यस, वो ऊपर वाले जो दो रूल्स है ना वो लिस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल को ब्रेक ब्रेक कर सकते हैं। तो कस्टम मेरा स्केलिंग क्वेश्चन, रूल
मेरा क्वेश्चन है प्राची कि अभी मैंने ऑटोमेटिक स्केलिंग रोल इसके बारे में बोला है, राइट? तो ऑटोमेटिक स्केलिंग रोल इज रिलेटेड टू योर ईएमआर सर्विस, राइट? इट इज नॉट रिलेटेड टू योर ईसी टू इंस्टेंसेस. इसका तो अलग रहने का मतलब भी बनता है, ठीक है? क्योंकि दिस रोल्स आर बीइंग असाइंड टू ईसी टू सर्विस के इंस्टेंसेस को, एंड दिस रोल इज बीइंग असाइंड टू ईएमआर की फंक्शनैलिटी को, ठीक है? लेकिन ऑटोमेटिक स्केलिंग भी तो एक ईएमआर की ही फंक्शनैलिटी है, राइट? तो व्हाई वी आर नॉट असाइनिंग दिस परमिशंस रिलेटेड टू ऑटोमेटिक स्केलिंग इनटू दिस ईएमआर सर्विस रोल इटसेल्फ. ठीक है, जस्ट मैं बता इट्स देता हूँ. लाइक होटलीज प्रिविलेज मींस यस, बाय हाउ हाउ एग्जैक्टली, बट हाउ कैन प्रोवाइडिंग कस्टम ऑटोमेटिक स्केलिंग रोल वी कैन लिमिटेड वी कैन गिव द परमिशंस टू द लिमिटेड सर्विसेज टू द दैट क्लस्टर और ग्रैनुलर एक्सेस कंट्रोल कैन बी अचीव्ड बाय द यस यस सी दैट इज गिवन. मैं वही चीज बोल रहा हूं कि वो तो है ही है, राइट? आई वॉन्ट अ सिनारियो वेयर दिस विल ब्रीच दैट कॉन्सेप्ट. इफ आई मर्ज 1 एंड 3, वॉट इज द सिनारियो वेयर इट विल ब्रीच? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आंसर बता देता हूँ क्या है. देखो, अगर आप अपने क्लस्टर को ऑटोमेटिक स्केलिंग कर ही नहीं रहे हो एंड ई एम आर सर्विस रोल ऐसा प्रोविजन कर रहे हो जो डिफॉल्ट ई एम आर सर्विस रोल क्रिएट होता है विद दैट ई एम आर ऑप्शन इन रोल्स, अगर उसमें ऑटोमेटिक स्केलिंग का ऑप्शन इनेबल करके दे रहे हो, मीन्स यू आर ब्रीचिंग दिस प्रिविलेज, राइट? यू आर नॉट यूजिंग ऑटोमेटिक स्केलिंग, बट यू आर गिविंग द परमिशंस रिगार्डिंग ऑटोमेटिक स्केलिंग. मेक सेंस? समझ में आ रहा है क्या? सॉरी सर कैन यू रिपीट वन टाइम यस आई कैन. और मैं ये बोल रहा हूं कि द सिनारियो वेयर आई एम नॉट यूजिंग ऑटोमेटिक स्केलिंग एंड आई हैव मर्ज फर्स्ट एंड थर्ड वन, ठीक है? उसमें क्या हो रहा है, जब मैं ई एम आर सर्विस रोल प्रोविजन कर रहा हूँ उसमें ऑटोमेटिक स्केलिंग का भी परमिशंस आ रहे हैं, ऑटोमेटिक स्केलिंग की भी परमिशंस आ रही है, राइट? आई डोंट वॉन्ट टू गिव दोज परमिशंस ऑफ ऑटोमेटिक स्केलिंग. उसके रीजन AWS के खुद के हो सकते हैं, ठीक है? आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट इन दिस थिंग, बट मैं सिर्फ एक लॉजिक प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको कि ऑटोमेटिक स्केलिंग के रिलेटेड जो भी आपके प्रिविलेजेस है, आप जब ऑटोमेटिक स्केलिंग यूज नहीं कर रहे हो तो भी देने पड़ेंगे ना, इफ यू मर्ज 1 एंड 3, राइट? सेंस नहीं बन रहा है क्या इस बात का? हेलो आई यस बोलो. थिंक सर टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट वी आर यूजिंग दैट थर्ड ऑप्शन मेबी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू बिकॉज योर वॉइस इज ब्रेकिंग. कैन यू रिपीट? हेलो यस बोलो. आई थिंक दैट सर वी आर यूजिंग दैट थर्ड ऑप्शन ऑफ रोल फॉर ऑप्टिमाइज द कॉस्ट मे बी ऑप्टिमाइज द कॉस्ट इन वॉट सेंस? इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट रोल, ठीक है? नॉट अबाउट ऑटोमेटिक स्केलिंग. ओके, ऑटोमेटिक स्केलिंग विल ऑप्टिमाइज द कॉस्ट बाय हैंडलिंग योर वर्क, मतलब हैंडलिंग योर क्लस्टर रिक्वायरमेंट्स स्मार्टली, ठीक है? वो ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट रोल हियर, ठीक है? तो आपको कुछ और बोलना था क्या इसके बारे में? ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को, अदरवाइज लीव इट, इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये. जस्ट मुझे ऐसे लग रहा था कि आपको समझ में आना चाहिए कि लीस्ट प्रिविलेज कैसे ब्रीच हो रहा है. व्हाट आई वांट टू से इज, जिस ईएमआर क्लस्टर में आप ऑटोमेटिक स्केलिंग इनेबल नहीं कर रहे हो, अगर फर्स्ट और थर्ड रोल का ऑप्शन ही नहीं होता, मतलब ये ऑप्शनल क्यों है पता है क्या? ऑप्शनल क्यों है, जहां पे आप ऑटोमेटिक स्केलिंग इनेबल कर रहे हो आपके क्लस्टर के लिए, उसी केस में ये रोल देना आपको जरूरी है, अदरवाइज यू डोंट वांट टू गिव दिस रोल टू योर क्लस्टर, ठीक है? बाय दैट यू आर अवॉइडिंग गिविंग दिस रोल इन अ केस वेयर यू आर नॉट इनेबलिंग ऑटोमेटिक स्केलिंग.
मतलब आप लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल को कंप्लाई कर रहे हो, सिंपल है। ठीक है, अभी समझ में आया क्या सबको? अभी भी नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया पता नहीं, समझो सर। समझा ना? हाँ बस यार, एक को समझा मतलब मेरा काम इसको हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके बाद और क्या समझो मैं। ठीक है, मेरी समझ से भी परे चला गया है, समझा ना? ठीक है चलो, अब भी हमने ऑटोमेटिक स्केलिंग इनेबल किया है क्या? अरे बोलो। केशरदीप आप बोलो, हमने ऑटोमेटिक स्केलिंग इनेबल किया था क्या? हेलो सर। हाँ केशरदीप, हमने ऑटोमेटिक स्केलिंग इनेबल किया था क्या? अरे यार नहीं सर, किया था या नहीं? याद नहीं है क्या? अभी तो किया था यार, ऊपर ही है, दिखा दो। याद नहीं है? अच्छा आंसर है वैसे। ये देखो, याद याद कर लो अभी। देखो, क्लस्टर स्केलिंग एंड प्रोविजनिंग ऑप्शन, व्हाट आर ऑटोमेटिक स्केलिंग ऑप्शन बताओ मुझे। इसमें तीन ऑप्शन है, हमने फर्स्ट चूज किया, तो ऑटोमेटिक स्केलिंग वाले ऑप्शन है या नहीं? वो फर्स्ट वाला यस है ना? सर है। हाँ मैन्युअली ना सर। हाँ मतलब ऑटोमेटिक स्केल कर रहे हैं ना हम लोग फर्स्ट ऑप्शन से, नहीं सर, थर्ड नहीं कर रहे क्या ऑप्शन? ऑप्शन में ना सर, यूज कस्टम ऑटोमेटिक स्केलिंग। ओके, थर्ड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में ऑटोमेटिक स्केलिंग इनेबल होता है क्या? किससे पूछ रहे हो केशर जी? किससे हाँ सर। नहीं सर, पूछ रहे कोई हो? नहीं घर पे, कोई किसी ने बाजू पूछ में कौन लिया, बैठा है आपके वैसे? ओके कोई नहीं सर, वो पर ठीक, नॉट एन इशू। सेकेंड में भी ऑटोमेटिक, मतलब देखो ये आपको अभी समझा देता हूँ मैं। हाँ ई एम सर। आर मैनेज स्केलिंग, मतलब ई एम आर टेक्स केयर ऑफ योर स्केलिंग नीड्स एंड इट इंक्रीजेस योर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस योर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस अकॉर्डिंग टू इट्स ओन एल्गोरिदम। ठीक है, एंड कस्टम ऑटोमेटिक स्केलिंग में यू प्रोवाइड द रूल्स फॉर स्केल आउट एंड स्केल इन। ठीक है, हिंदी में समझाता हूँ अभी मैं। ई एम आर मैनेज स्केलिंग में आपका ई एम आर टेक केयर करता है सारी आपकी जो वर्कलोड के हिसाब से जो भी स्केल आउट या स्केल इन करना है ना, तो उसका टेक केयर ई एम आर करता है। ठीक है, ई एम आर मैनेज स्केलिंग। लेकिन कस्टम ऑटोमेटिक स्केलिंग में आप अपने रूल्स वहां पे देते हो कि ये चीज होने के बाद स्केल आउट करना है, स्केल आउट मतलब इंस्टेंसेस बढ़ाने हैं, और ये इतना आइडल टाइम रहने के बाद या फिर ये चीज होने के बाद हमारे स्केल इन करने हैं, मतलब रिड्यूस करने हैं नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, तो दीज सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शंस आर फॉर ऑटोमेटिक स्केलिंग एंड वी हैव नॉट चोजन ऑटोमेटिक स्केलिंग इन दिस केस। ठीक है चलो आगे यस सर। बढ़ते हैं, लेट्स क्रिएट दिस क्लस्टर। ठीक है यार, 11:30 को स्टार्ट किया ना? कोई यस ऑप्शन टूट गया है क्या? एरर नहीं चाहिए। हमने ईबीएस वॉल्यूम देखा क्या? ईबीएस रूट वॉल्यूम देखा नहीं था ना? सर, नहीं देखा था सर। तो कुछ नहीं है, ईबीएस रूट वॉल्यूम देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ईबीएस रूट वॉल्यूम क्या होगा बताओ? एडिशनल स्टोरेज स्पेस होगा। बस जे के बाद क्या आता है बताओ? बस के। ठीक है, एबीसीडी में दिक्कत होने लगी आजकल। ईबीएस रूट वॉल्यूम, ठीक है, टू प्रोवाइड एडिशनल स्टोरेज। हमारे इंस्टेंसेस के पास खुद खुद का स्टोरेज है क्या? बताओ, वैसे बताओ अभी हमने कौन सा इंस्टेंस लिया था अभी इसमें? M5 M5 X large, XLR, ओके, M5 उसमें उसमें स्टोरेज था क्या ऑप्शन? XLR। हाँ सर, लेकिन वो कुछ EBS वैल्यू ईपीएस, नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है, ईपीएस ऑनली स्टोरेज था उसमें। ठीक है, यू नीड एक्स्ट्रा स्टोरेज इन दिस केस, बट देर आर सर्टन ऑप्शंस जिसमें खुद का स्टोरेज भी आता है। ये देखो, C1 मीडियम लोगे तो 350 GB का स्टोरेज आता है। ठीक है,
यहाँ पे ईपीएस ओनली स्टोरेज, ठीक है, मतलब कुछ इंस्टेंसेस है जिसमें उसका खुद का स्टोरेज आता है, तो हम लोग यहाँ पे ना ईपीएस कॉन्फिगर कर ही लेते हैं रूपोले। ये कितने जीबी तक का फ्री है पता है क्या, फ्री टियर में किसी को पता है? 15 तक का ही फ्री नहीं, 30 तक का फ्री, है। 30 30 नहीं 20, नहीं 20 मैंने डाला है इसलिए 20 बोल रहे हो आप, 30 फ्री है, ठीक है। चलो हम लोग क्रिएट करते हैं क्लस्टर, क्योंकि ये क्लस्टर प्रोविजनिंग को बहुत टाइम लगता है। इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ इंस्टेंस वी आर एडेड टू द क्लस्टर, ठीक है। तो अभी एक बात समझ लो, क्लस्टर प्रोविजनिंग का टाइम भी ना किस पे डिपेंड करता होगा, कोई बता सकता है मुझे? किसी का कोई, कुछ साइज और कंप्यूटर और यस वो ठीक है, मतलब क्या क्या पैरामीटर आपने प्रोविजन किए है उस पे डिपेंड करेगा, राइट। देखो किस किस पे डिपेंड करता है, पहले बताता हूँ कि आपने जो इंस्टेंस टाइप चूज किया है उसका साइज वगैरह क्या है, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन वो फ्रिक्वेंटली यूज्ड है या नहीं, रेडिली अवेलेबल है या नहीं, ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर आपने स्पॉट इंस्टेंस चूज किया है तो स्पॉट इंस्टेंस के लिए प्रोविजन होने में और ज्यादा टाइम लगता है, वो स्पॉट स्पॉट प्राइसिंग के हिसाब से होता है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए, प्लस आपकी जो डिपेंडेंसीज है अगर वो ज्यादा होगी तो बूटस्ट्रैपिंग में ज्यादा टाइम लगेगा, वो हो गया 3rd पॉइंट। और कुछ पॉइंट हो सकता है, ये चीजें सोचो। हाँ, दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन इंटरव्यूज आल्सो। इफ समवन वांट्स टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है, तो दे कैन आस्क, क्योंकि क्लस्टर प्रोविजनिंग में टाइम किस चीज की वजह से लग सकता है। आपको आपको क्यूरियोसिटी होगी ना कि इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, है क्या यस सब? सर, हाँ ना, तो इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अपने दिमाग में आते हैं, ठीक है, थेके? मतलब इफ यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, कि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया है ये कि भाई हाउ मच टाइम डज अ क्लस्टर प्रोविजनिंग टेक्स एंड व्हाट कैन बी द पैरामीटर्स और व्हाट कैन बी द रीजंस फॉर अ डिले इन प्रोविजनिंग, तो ये क्वेश्चन आपके अगर दिमाग में आए तो दिस कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू, ठीक है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यू। फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव मेंटेन अ क्लैरिटी इन योर कॉन्सेप्ट, जस्ट दैट, एंड बी अ थिंकिंग पर्सन, जस्ट थिंक अबाउट सर्टन थिंग, ठीक है। अगर आपको कोई भी सवाल आता है उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है, और उसको कॉम्प्रेहेंसिवली रिजॉल्व करो, ठीक है। तो मैंने अभी एक सवाल पूछा है आपको, कितने लोग जब पढ़ने बैठोगे सेशन के बाद इसको सर्च करोगे कि व्हाट आर द पैरामीटर्स विच डिसाइड्स द प्रोविजनिंग टाइम, हैंड रेस करो, जेन्युइनली करना, मतलब बस फॉर द सेक मत करना। अब भी मैंने पूछा इसलिए करने वाले थे या खुद से करने वाले थे इसलिए, ये देखना बस। मुझे नहीं लगता है इतने लोग करने वाले, मुझे तो नहीं लगता है, मैं खुद नहीं करता था तो मैंने तो किसी को नहीं देखा कि इतनी क्यूरियोसिटी है, ठीक है। तो ये हम आखिरी पे ना इंटरव्यू क्वेश्चन पे इसीलिए रिलाय करते, क्योंकि हम लोग जब चीजें सीख रहे हैं ना तब हमारे डाउट्स को हम लोग प्रॉपरली एड्रेस नहीं करते, वी डू नॉट और ट्राई टू फ्रेम द क्वेश्चंस, ठीक है। डू नॉट डिपेंड ऑन समवन टू गिव इंटरव्यू क्वेश्चंस टू यू, यू कैन बिल्ड योर ओन सेट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। अगर आपने खुद से एक सर्विस के 5 6 क्वेश्चन भी बना लिए ना, दैट इज इम्प्रूविंग योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बात जो बाकी के बेसिक क्वेश्चन है वो तो आपको चैट जीपीटी में मिल जाएंगे, उसके आंसर भी चैट जीपीटी पे मिल जाएंगे, ठीक है। जस्ट यू नीड टू गिव EMR इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर एक्सपीरियंस पर्सन अलॉन्ग विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, खत्म, आपको दे देगा वो, फॉर अ डेटा एनालिस्ट रोल, फॉर अ डेटा इंजीनियर रोल, ऐसे। और प्रॉम्प्ट को स्पेसिफिक करोगे तो और स्पेसिफिक क्वेश्चन देगा वो, लेकिन ये जो सवाल है ना ये कोई नहीं बताएगा आप, ये आपके दिमाग में अराइज होने चाहिए, ठीक है। चलो दैट इज गुड, 40 लोग अगर ये करने वाले थे, वेरी गुड।
तो इसके लिए तो टाइम लगेगा. व्हाट वी कैन डू टिल दैट टाइम इज विल लुक एट ईएमआर स्टूडियो. ठीक है, तो मैं ये टैब समझा देता हूँ पहले तो. व्हाट आर दिस टैब्स, डिफरेंट टैब्स. हमने जो अभी प्रोविजनिंग की है ना, उसी के ऑप्शंस इसमें है. लेकिन देखो, क्लस्टर आईडी क्या हो सकती है? ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है फॉर योर क्लस्टर. व्हेन यू विल यूज दिस ऑप्शन, जब आप बोटो 3 या फिर सीएलआई यूज करोगे ना, एंड यू वॉन्ट टू क्रिएट अ ईएमआर क्लाइंट फॉर दिस सब सर्टन थिंग, तो उसमें आप किसी क्लस्टर आईडी के हिसाब से क्लाइंट क्रिएट करते हो, या फिर क्लस्टर आईडी के हिसाब से जब स्टेप सबमिट करते हो तो पर्टिकुलर क्लस्टर पे सबमिट करना है आपको. क्लाइंट क्रिएट नहीं करते हो क्लस्टर आईडी के हिसाब से, सॉरी फॉर दैट. लेकिन अगर आपको कोई स्टेप सबमिट करना है ना, यूजिंग बोटो 3 मीन्स पाइथन एंड यूजिंग सीएलआई, यू विल हैव टू गिव क्लस्टर आईडी. कैसे पता होगा ना आपके सीएमडी को, कमांड प्रॉम्प्ट को, या फिर आपकी जुपिटर नोटबुक को, कैसे पता होगा कि आपके एडब्ल्यूएस अकाउंट में अगर मल्टीपल क्लस्टर होंगे तो किस क्लस्टर पे सबमिट करना है? ये तो पता नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली तो नहीं देखेगा, राइट? तो उसका कोई आइडेंटिफायर होना चाहिए. तो दैट इज क्लस्टर आईडी फॉर यू. ठीक है, दिस इज द वर्जन वी हैव चोजन, दिस इज द लॉग डेस्टिनेशन वी हैव चोजन, दिस इज द स्टेटस स्टार्टिंग. ठीक है, पता नहीं कितना टाइम लेगा ये. क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन हमने इंस्टेंस ग्रुप लिया. व्हाट इज द अदर ऑप्शन दैट वी हैव? इंस्टेंस स्प्लिट यस, एग्जैक्टली. व्हाट आर द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन? तो एप्लीकेशन कौन से चूज किए, ये कहाँ से चूज किया हमने? क्लस्टर बंडल एप्लीकेशन बंडल से, राइट? हाँ वही है. तो प्राइमरी नोड प्राइवेट डीएनएस, ये किसका डीएनएस एड्रेस हो सकता है? मास्टर का, राइट? प्राइमरी नोड इंस्टॉल यस, मास्टर. अगर आपको मास्टर में एसएसएच करना है तो यू विल यूज दिस डीएनएस, राइट? एक बात बताओ, एसएसएच करने के लिए प्राइवेट डीएनएस यूज करते हो या पब्लिक डीएनएस यूज करते पब्लिक. हो? यस, करेक्ट करेक्ट. ठीक है, तो याद रखो ये बेसिक चीज है, कुछ नहीं, मतलब ये इवेंचुअली लर्न करोगे. बस आपको किस डायरेक्शन में सोचना है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ. इट इज नॉट योर टेस्ट. ठीक है, मुझे नहीं आता है इसीलिए ना, खुद को कोसो मत, जस्ट ट्राई टू लर्न इट. हाँ, ये देखो हमारा क्लस्टर हो गया प्रोविजन, देखा स्टेटस चेंज हो गया हमारा. बूटस्ट्रैपिंग में गया ही नहीं क्या ये? ठीक है, देखते हैं हम लोग. यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाता हूँ आपको. तो लेट्स कवर दिस थिंग. ठीक है, इलैप्स टाइम. इलैप्स टाइम मतलब क्लस्टर हमने क्रिएशन से कितना टाइम लगाया. ठीक है, तो अभी ये बढ़ते रहेगा आगे. ठीक है, क्लस्टर कितने टाइम से प्रोविजन है. सो दीज आर द टैब्स दैट आर देयर. यहाँ पे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रही है लिनक्स की, क्लस्टर लॉग्स का लोकेशन है, इनक्रिप्शन टर्न्ड ऑफ. दीज आर द जस्ट द बेसिक ऑप्शन. यू कैन एडिट क्लस्टर टर्मिनेशन ऑप्शन फ्रॉम हियर. If you want to enable cluster protection, termination protection, you can enable it from here. ठीक है, तो network security में आपके VPC, subnet, ये सब चीजें आ गई. EC2 key pair, first key pair, ये सब चीजें तो हमने खुद से दी है, राइट? तो प्रॉपर्टीज में वो है, bootstrap action आप खुद करने वाले हो, तो यू विल सी एनी पैरामीटर्स और एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू bootstrap हियर. इंस्टेंस हार्डवेयर, इफ यू वॉन्ट टू चेक हार्डवेयर ऑफ योर क्लस्टर तो यू कैन सी इट हियर कि प्राइमरी का हार्डवेयर क्या है. यहाँ पे M5 XLR दिखेगा आपको, कितना चार्जेस लगता है वहाँ वो दिखेगा, कितने वॉल्यूम्स लगे हैं वो भी दिख रहा है आपको. ठीक है, कोर, सिमिलरली कोर का भी स्पेसिफिकेशन देखना है तो ये आपको दिखेगा. ठीक है, चलो ये हो गया हमारा हार्डवेयर इंस्टेंसेस और हार्डवेयर पार्ट. दीज आर द स्टेप्स ऑप्शंस. इफ यू वॉन्ट टू स्टेप एड स्टेप मैन्युअली इन अ क्लस्टर, यू कैन यूज एड स्टेप ऑप्शन. देयर विल बी डिफरेंट ऑप्शन, वी विल सी इट लेटर. ठीक है, हम लोग कल देखेंगे एडिंग अ स्टेप यूजिंग कंसोल, उसके बाद देखेंगे एडिंग अ स्टेप यूजिंग सीएलआई. हमने एज वी हैवंट इंट्रोड्यूस बोटो 3 येट, तो बोटो 3 की सारी चीजें ना आपको खुद से करनी पड़ेंगी, बट आई प्रोवाइड यू गाइडेंस रिगार्डिंग दैट. ठीक है, तो कैसे करना है, बेसिक्स ऑफ बोटो 3 आ गए आपको, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट टू एंड हाउ टू परफॉर्म इट फॉर पर्टिकुलर सर्विस. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट.
ये हो गया आपका स्टेप रिलेटेड पार्ट। एप्लीकेशंस, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस में क्या आता है पता है क्या? ये चीजें पता है क्या? स्पार्क हिस्ट्री सर्वर वगैरह पता है किसी को? स्पार्क यूआई पता है? यस कितने लोगों ने स्पार्क यूआई पढ़ा है? मुझे नहीं लगता है किसी ने पढ़ा है। लास्ट क्वेश्चन, कितने लोगों ने पढ़ा है स्पार्क यूआई? आई डोंट ब्लेम यू ऑल्सो, ठीक है। मैंने भी ना ये चीज बहुत आखिरी में पढ़ी थी। हमें समझ में नहीं आता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन आपको ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिलेटेड टू ना परफॉर्मेंस ट्यूनिंग और डिबगिंग आते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में स्पार्क रिलेटेड क्वेश्चन कोई नहीं बोलेगा कि व्हाट इज डेटा फ्रेम, कोई नहीं बोलेगा कि ये फंक्शन का मीनिंग क्या है, ठीक है। सब लोगों को मेन कंसर्न क्या रहता है, आर यू एबल टू डिबग योर फेल्ड एप्लीकेशन और नॉट, और यू आर एबल टू एंश्योर दैट अब योर एप्लीकेशन इज नॉट स्लो, एंड इफ इट इज स्लो कैन यू डिबग इट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉज ऑफ स्लो स्लोनेस, ठीक है। उसके बाद आप उसको परफॉर्मेंस ट्यून करके फिर से डिबग करके मतलब रूट कॉज एनालिसिस करके उसको एडिट करके सबमिट करके फिर से चेक कर सकते हो क्या? ये सारी चीजें है ना, ये ज्यादा से ज्यादा काम में आती है जब आप काम करते हो ना। डिबगिंग स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूट कॉज एनालिसिस और डिबगिंग स्किल। फ्रेश एनहांसमेंट बहुत कम होता है, ठीक है। हम लोग पाइपलाइन जिनका एकदम स्क्रैच से प्रोजेक्ट है ना, वो लोगों को स्क्रिप्ट लिखने मिलती है, लेकिन डिपेंड करता है आप प्रोफाइल कैसी मिलती है आपको। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको डेवलपमेंट भी मिलता है ना, फ्रेश डेवलपमेंट भी मिलता है, तब स्क्रिप्ट राइटिंग का पार्ट आपका 10% है समझो, डिबगिंग का पार्ट 90% होता है आपको। तो अंडरस्टैंड इशू, अगर 10 लाइन का कोड लिख रहे हो ना, 10 लाइन का कोड लिखने में आपको 15 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन उसको टेस्ट करने में, उसको फाइन ट्यून करने में, उसको परफॉर्मेंस ट्यून करने में आपका दिन निकल जाता है। समझ में आ रही है चीज? तो स्पार्क यूआई एक बार मैं अपने नोट्स भी शेयर कर देता हूँ, आज नहीं होगा मे बी, क्योंकि मेरे मेरा लैपटॉप नहीं है ये। स्पार्क यूआई के अगर नोट्स होंगे ना तो मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, यू शुड गो थ्रू इट वंस, ठीक है। और स्पार्क हिस्ट्री सर्वर क्या है, देख, स्पार्क यूआई इज फॉर योर करंट एप्लीकेशन दैट आर रनिंग इन योर करंट सेशन, ठीक है। अगर आपके सेशन में कुछ एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, उसके डिटेल्स आपको स्पार्क यूआई पे मिलते हैं। और स्पार्क हिस्ट्री सर्वर में क्या मिलता है, ऑल दी एप्लीकेशन और ऑल दी स्टेप्स, और जो स्पार्क के प्रीवियस जॉब्स है ना, हिस्ट्री जॉब मतलब अभी एक्टिव जॉब्स नहीं है, वो हो गए कंप्लीट, वो आपको हिस्ट्री सर्वर में मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो दिस एप्लीकेशन ऑप्शन इज फॉर डिफरेंट यूआरएल्स, ठीक है। जैसे आपने HD हडूप चूज किया था तो HDFS का नेम नोड का URL है ये। जुपिटर हब सिलेक्ट किया था उसको अगर ओपन करना है तो ये URL है। रिसोर्स मैनेजर, यूर यान रिसोर्स मैनेजर अगर होगा ये क्लस्टर का, उसका ये URL है, ठीक है। स्पार्क हिस्ट्री सर्वर का ये है। तो दीज आर योर एप्लीकेशन, यूजिंग दिस URL यू विल बी एबल टू ओपन दिस एप्लीकेशन, ठीक है। चलो, ये समझ में आया एप्लीकेशन क्या है? बोलो, कोई एक बोल दो अभी। यस सर, म्यूट पे नहीं था ना मैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशंस क्या है? कॉन्फ़िगरेशन, क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, पता नहीं है, कुछ दिख भी नहीं रहा है उसमें। इंस्टेंस ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन, हाँ मतलब आपको इंस्टेंसेस अगर देखने हैं तो ये यहाँ पे है आपके, ठीक है। अगर रिकॉन्फिगर करना है उसको शायद, तो यहाँ से करते हो। ओके, इफ आई वांट टू जस्ट, ओके, उसको एडिट अगर करना है ना तो यहाँ से करते हैं शायद, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दैट ऑप्शन, ठीक है। लेट्स लेट्स रीड इट हियर नाउ। इंस्टेंस ग्रुप इनहेरिट प्लस फंक्शन दैट इज स्पेसिफाइड व्हेन अ क्लस्टर इज क्रिएटेड With EMR 5.21.2 and later you can override cluster configuration and specify additional configuration for each instance group below as long as its status is running. अच्छा, देखो, अगर आपको ना आपके इंस्टेंस ग्रुप में जो प्राइमरी और कोर नोड्स है ना,
उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है व्हेन योर क्लस्टर इज रनिंग, देन यू कैन यूज दिस ऑप्शन एंड सॉर्ट ऑफ रिसाइजिंग भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, कि आप आपके इंस्टेंसेस को जब वो यूज हो रहे हैं तब चेंज कर पाते हो. सो दिस ऑप्शन इज गिवन, दिस ऑप्शन इज इंट्रोड्यूस विद दिस वर्जन 5.21.0. ठीक है, ये याद रखो. अगर कोई पूछता है कि ये कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, थोड़ी बहुत याद रखना है ऐसी चीजें. ठीक है, यू कैन नॉट रिमेम्बर एवरीथिंग बट ट्राई इफ यू हैव मतलब अभी देख लिया अभी तो याद रह जाएगा, मुझे तो याद रहेगा अभी 5.21.2 के बाद ऐसा ऑप्शन आया है. ठीक है, और नेक्स्ट मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग 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 मतलब क्या है? यू कैन वॉच योर एप्लीकेशन स्टेटस, मतलब ईएमआर का जो भी चीजें है क्लस्टर रिलेटेड वो यहाँ पे देख सकते हो. यहाँ पे आपके क्लस्टर स्टेटस है, यहाँ पे नोड स्टेटस है, इनपुट आउटपुट का स्टेटस है, कितनी फाइल इनपुट हो रही है, कितने बाइट्स ऐड हो रहे हैं, कितने बाइट्स प्रोसेस हो रहे हैं, और आउटपुट में कितने लिखे जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि वॉट आर दिस डिफरेंट मेट्राइसेस. ठीक है, तो इतना डीप में मत जाना है इसमें, जस्ट ऑब्जर्व कि क्लस्टर स्टेटस में क्या क्या है, नोड स्टेटस में क्या क्या है, और इनपुट आउटपुट में क्या क्या मेट्राइसेस है. एक दो मेट्राइसेस पता रहेंगे तो इनफ है. ठीक है, व्हाट आर दिस इवेंट्स? इवेंट्स मतलब आपका सारी हिस्ट्री दिखती है आपकी चीजों की. ठीक है, क्लस्टर जब से हमने क्रिएट क्लस्टर किया तब से. ठीक है, इवेंट्स हो गया, टैग्स हो गया. सो दीज आर द ऑप्शंस दैट आर देयर फॉर योर क्लस्टर. क्लस्टर प्रोविजन करने के बाद आपको एसएसएच करना है मास्टर में आपके. व्हाई डू यू एसएसएच इनटू मास्टर? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दिस थिंग? एम आई ऑडिबल? ज्यादा टाइम हो गया क्या? एंड करना है क्या सेशन? बोलो बोलो, सब शांत हो गए हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा था? हैंड रेस करो जिनको समझ में आ रहा था आपकी किसी से. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, या फिर मैं बहुत फास्ट हो जाता हूँ कभी कभी. आई ऑल्सो डोंट इवन रियलाइज दैट. कितने लोगों को समझ में आई है अब तक की चीजें सारी? ठीक है, मतलब अब बोल नहीं रहे हो ना, मुझे लगा कि यार मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ. ठीक है, चलो तो ये चीज हो गई हमारी. मैंने एक कोई क्वेश्चन पूछा था अभी. हाँ, व्हाई डू यू एसएसएच इनटू मास्टर, ये बताओ. इसी, यस बोलो. Because master is a central node, which means that we submit the job. राइट राइट राइट. स्पार्क सबमिट अगर करना है तो आप मास्टर से स्पार्क सबमिट कर सकते हो. ठीक है, हमें पता है स्पार्क सबमिट की कमांड, स्पार्क में पढ़ी है हमने. Yes, sir. यू शुड स्टडी इट इन डिटेल. अभी ये भी एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, कोई भी पूछता है आपको कैन यू एक्सप्लेन स्पार्क सबमिट कमांड, व्हाट आर इट्स डिफरेंट पैरामीटर्स, यू शुड रिमेम्बर दैट. ठीक है, स्पार्क सबमिट में क्या होता है? पहले क्लस्टर मोड देते हो, रिसोर्स मैनेजर देते हो, बाद में कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीजें देते हो, कैन नम एग्जीक्यूटर्स, एग्जीक्यूटर मेमोरी, ड्राइवर मेमोरी, ये सारी चीजें जो देते हो. उसके बाद एप्लीकेशन एप्लीकेशन पीवाई फाइल देते हो. ये सारी चीजों की डिटेल्स ना आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो मीनवाइल जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना तो पढ़ लिया करो. ठीक है, प्रशांत कुमार के वीडियोस है क्या आपके पास स्पार्क रिलेटेड? किसी के पास है क्लास में प्रशांत कुमार के वीडियोस? नो सर, किसी के पास भी नहीं है? नो सर, वो लिंक डाली थी एक बार ग्रुप पे, अनऑफिशियल ग्रुप पे लिंक डाली है उसकी. तो देख लो
आज फिर से डाल दो, जिसने किसी ने भी डाली थी वो अगर मिलती है लिंक, एक बार डाल दो ग्रुप पे। वो 20-22 वीडियो है, आपका ना स्पार्क की थियोरी काफी कवर हो जाएगी उसमें, ठीक है। आई और थिंक उसमें इट्स मनीष कुमार, सॉरी मनीष कुमार है क्या वो सर? यस नहीं, नहीं मनीष मनीष कुमार, कुमार नहीं है, प्रशांत कुमार है, लर्निंग जर्नल उसका चैनल है। मनीष कुमार तो मैंने कभी नहीं देखा है, प्रशांत कुमार मुझे याद है, ठीक है, प्रशांत कुमार है। तो आप यूट्यूब खोलो अपना, और लर्निंग जर्नल करके चैनल है यूट्यूब पे, लर्निंग जर्नल। मैं चैट में डाल दूं क्या? सर, स्कॉलर नेस्ट लिखा है क्या? क्या क्या बोल रहे हो? अरे बोलो बोलो, क्या हुआ? सर स्कॉलर नेस्ट लिखा है क्या? लर्निंग स्कॉलर, जर्नल? हाँ एक सेकंड मुझे सर्च करने दो, एक सेकंड। अगर उसमें अभी कोई चेंज हो गया होगा ना तो मुझे पता नहीं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्योंकि मैं तो काफी रेफर नहीं करता सर, हूँ। आ रहा है लर्निंग लर्निंग जर्नल आ जर्नल रहा है से ना, आ दिस रहा इज है, आ रहा है वेरी गुड सर। चैनल। पर वॉट एवर द कॉन्सेप्ट दैट आर देयर रिगार्डिंग स्पार्क, नो यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। छोटे छोटे वीडियो है, लेकिन जो क्लैरिटी और डेप्थ में वो बताते हैं ना, वो काफी बढ़िया है। मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ मिलता है आपको। मैंने तो उनके ऑलमोस्ट सारे वीडियो देखे स्पार्क रिलेटेड, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं इतने अगर इतने कन्विक्शन से बता रहा हूँ ना, उनका कंटेंट अच्छा है तो कोई रीजन होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ में बताते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि डेप्थ में बताते हैं मतलब समझने के ऊपर की चीजें होती है, ठीक है। ही प्रोवाइड्स वेरी नुआंस्ड एक्सप्लेनेशन, सिंपल और ग्राफिकल रहता है उनका काफी। तो बहुत अच्छे वीडियोज है उसके, देख लो। उसके पहले ना, ये जो 22 वीडियो है ना प्रशांत कुमार के, ये पहले, हाँ, scholarness.com वाला है, बराबर है। आई डिंट नो अबाउट हिज वेबसाइट, लर्निंग जनरल वही है, यू आर राइट, जो भी बोल रहे थे। तो ये जो 22 वीडियो है ना, उसके बाद आपकी एक आर्किटेक्चरल अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। यू गेट टू अंडरस्टैंड एंड यू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लस्टर, स्पार्क सबमिट्स एंड द कॉन्सेप्ट्स लाइक एडेप्टिव क्वेरी एग्जीक्यूशन, डायनामिक रिसोर्स एलोकेशन। ये सब चीजें हैं ना जो स्पार्क 3.0 में आई है, डेटा स्क्यूनेस क्या होता है, या फिर एडवांस जॉइंस। लाइक आपको एडवांस जॉइंस पता है क्या? यस पता है ना, तो लेकिन उसकी डेप्थ नहीं होगी। मुझे भी पता था एडवांस जॉइंस, लेकिन जब उनके वीडियो देखे ना मैंने, तो एडवांस जॉइंट के रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी हो गए, ठीक है। तो वो देख लो 22 वीडियो, दे आर डिलाइट टू वॉच। हाँ, छोटे छोटे वीडियो है। मैंने तो एक वीडियो, मतलब थोड़ा समझने में दिक्कत जाता है, जब आप नोट्स बना रहे हो ना तो थोड़ा समझने में दिक्कत जाता है फर्स्ट टाइम में, तो उसको फर्स्ट टाइम देखो, सेकेंड टाइम देखो, सेकेंड टाइम में कुछ चीजें समझ में आती है, थर्ड टाइम देखो, थर्ड टाइम जब देख रहे हो, 15 मिनट्स के वीडियो है, 20 मिनट्स के वीडियो है, अगर 3 बार भी देख रहे हो ना और उसके बाद नोट बना रहे हो, यू विल हैव वेरी गुड स्पार्क अंडरस्टैंडिंग, और भूलोगे नहीं उस चीज को कभी भी। वो ऐसे स्ट्रक्चर में बताते हैं ना, यू यू कैन विजुअलाइज इट। जब आपको कोई पूछता है, मुझे अभी भी कोई स्पार्क आर्किटेक्चर पूछेगा, आई कैन विजुअलाइज द स्पार्क आर्किटेक्चर। यहाँ पे यार्न रिसोर्स मैनेजर है, यहाँ पे एप्लीकेशन मास्टर कंटेनर है, यहाँ पे वर्कर नोड्स है, एप्लीकेशन मास्टर कंटेनर में पाइस्पार्क मेन है, उसके बाद एप्लीकेशन मेन है, पाइस्पार्क मेन से PY 4J का सिंक होता है। ये सब चीजें इफ यू कैन विजुअलाइज, देन यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर टू एनीवन, ठीक है। तो दोज वीडियोस रियली प्रोवाइड्स गुड इनसाइट्स इनटू योर स्पार्क थियरी, एंड स्पार्क थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो वन केयर्स अबाउट योर स्पार्क कोडिंग, टू बी ऑनेस्ट, दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वेदर यू अंडरस्टैंड क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम और नॉट, एंड दैट क्लैरिटी यू कैन प्रोवाइड थ्रू आर्किटेक्चर, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। ये सारी चीजें, चीजों की तैयारी करना शुरू कर दो। देखो, ये मेरा ना काम नहीं है, मैं AWS पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वाई आई एम टेलिंग दिस, कि ये चीजें ना सबको ना लेट रियलाइज होती है। आई डोंट वॉन्ट दैट फॉर यू, ठीक है। आपको अगर अभी से पता है ना, तो यू शुड बी स्टेप अहेड, ठीक है।
तो आखिरी में जाके स्ट्रगल नहीं करोगे, या फिर आखिरी में जाके ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, या फिर ये होने के बाद यू विल एक्सप्लोर फ्यू मोर थिंग्स विच आई वॉज अनेबल टू एक्सप्लोर ऑल्सो। ठीक है, तो अभी देख लो वो वीडियोस काफी अच्छे हैं, मतलब आप उसको 2 बार 3 बार भी देखोगे ना तो ईच टाइम यू विल गेट टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट 2 मोर पॉइंट्स अबाउट ईच कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ, और लोडेड विद इंफॉर्मेशन है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन वो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए 2 3 बार देखना जरूरी है। डोंट बी इम्पेशेंट विद दोज वीडियोज। इफ आई एम टेलिंग यू दोज वीडियोज आर प्रोवाइडिंग वेरी गुड इंसाइट, देन दैट मीन्स समथिंग। मेरे नोट्स भी है उसके, तो अगर आपको चाहिए होगे तो मैं फोटोज निकाल के डाल दूंगा, लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। मैंने आपको बोला मैं बिलीव नहीं करता वो चीज पे, किसी के नोट्स किसी को देने में, ठीक है, क्योंकि दैट इनहिबिट्स योर ग्रोथ। ठीक है, तो मतलब मैं, मुझे कुछ नहीं है कि मुझे नोट्स नहीं देने हैं, लेकिन आई वॉन्ट यू टू वॉच दोज वीडियोज एंड डेवलप योर ओन अंडरस्टैंडिंग। आई डोंट वॉन्ट टू गेट आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट रेस्ट्रिक्टेड टू माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज वीडियोज। समझ में आया? ऐसे मत सोचो कि मुझे देना नहीं है, मैं आखिरी में दे भी दूंगा, लेकिन पहले खुद से पढ़ो। ठीक है, तो मास्टर में हम लोग क्यू एस एस एच करते हैं टू गेट इन टू फंक्शनैलिटी ऑफ ई एम आर क्लस्टर, राइट, एंड टू एक्सेस ई एम आर रिसोर्सेस, मतलब क्लस्टर रिसोर्सेस। और क्लस्टर रिसोर्सेस एक्सेस करना मतलब क्या है, आपके स्पार्क के एप्लीकेशन सबमिट करना। यू कैन सबमिट योर स्पार्क एप्लीकेशन फ्रॉम योर प्राइमरी नोड, दैट इज मास्टर नोड। ठीक है, स्पार्क सबमिट वगैरह कर सकते हो वहां पे। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई वॉन्टेड टू कवर ई एम आर स्टूडियो ऑल्सो टूडे, ठीक है, उसके लिए मैंने सर्च करके भी रखा था। डू यू वॉन्ट मी टू कवर ई एम आर स्टूडियो ऑल्सो? डू यू हैव दैट? अभी भूख लगी है क्या सबको? इट विल टेक सम टाइम, आई हैव स्टेमिना। ठीक है, मुझे उसकी दिक्कत नहीं है। इफ यू वॉन्ट मी टू कवर आई कैन डू दैट, बट इफ इट इज टू मच फॉर यू गाइज वी कैन कवर इट टूमोरो ऑल्सो। हैंड रेस कर दोज हु वॉन्ट मी टू कवर इट टूडे। सच में यार, मतलब अटेंशन स्पैन रहना चाहिए। मैं देखूंगा नहीं, आप हैंड रेस करो, काउंट देखूंगा, नहीं तो लोगों को लगता है कि मैंने हैंड रेस नहीं किया है तो कुछ बोला गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आ रहे हैं हम लोग मेजोरिटी मेजोरिटी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, चलो कल करते हैं अभी। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों का अटेंशन स्पैन होगा अभी। ठीक है, इट वुड हैव बीन कन्वीनियंट फॉर मी, क्योंकि ये क्लस्टर अभी प्रोविजन हो गया है, तो ई एम आर स्टूडियो में डायरेक्ट जाके देख सकते थे हम लोग इसको, लेकिन इट्स ओके, हम लोग कल करते हैं इसको। ठीक है, आज थोड़ा क्लस्टर में एस एस एच करके देख लोगे? बोलो। यस यस एस यस एस एच करने के बाद क्या करोगे यस उसमें? सर, सिंपल हडूप के कोई भी कमांड्स आपको आते हैं समझो, तो वो फायर करके देख लो, या फिर चैट जीपीटी को पूछो कि एक ईएमआर क्लस्टर के मास्टर में एसएसएच करने के बाद व्हाट कैन बी द डेमोन्स्ट्रेशन दैट आई कैन परफॉर्म। पूछ लो चैट जीपीटी से, ही विल गिव यू द कमांड्स कि ये देख लो, मतलब ये ऑब्जर्व कर सकते हो, ये लिस्ट कर सकते हो, ये यहाँ पे इसके लॉग्स यहाँ पे देख सकते हो, वॉट एवर। ठीक है, तो वो देख लो। ठीक है, आई विल बी आस्किंग अबाउट दिस टुमारो फर्स्ट थिंग इन द सेशन। ठीक है, तो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू लॉन्च एन ईसी टू इंस्टेंस एंड मास्टर इट इन टू एस एस एच इन टू योर मास्टर। ठीक है, और उसमें कुछ चीजें, बेसिक चीजें परफॉर्म करके देखो। चलो, ऐसे लग रहा है क्या, बहुत स्लो जा रहे हैं हम लोग? नो सर, नहीं ना? ठीक है, चलो, क्योंकि काफी कम चीजें कवर हो रही है वैसे, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है ना, तो दैट इज द रीजन। क्योंकि क्लस्टर सिर्फ हमने लॉन्च किया तो भी देर आर मेनी ऑप्शन दैट आई नीडेड टू एक्सप्लेन, तो इसके लिए बहुत टाइम लग जाता है सेशन में। जिनका पढ़ाई बहुत फास्ट है, जो लोग ज्यादा जल्दी ग्रास्प करते हैं ना, उनको अगर स्लो भी लग रहा है ना, जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर फ्यू मोर थिंग्स ऑन योर ओन
एंड जस्ट बी पेशेंट विद द स्पीड ऑफ द लेक्चर्स, ठीक है, क्योंकि सबकी ग्रास्पिंग इतनी फास्ट नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए और कुछ चीजों में खुद को एंगेज करो रिलेटेड टू सेम सर्विस, ठीक है। चलो गाइस, कोई डाउट्स? किसी को कोई डाउट्स है रिलेटेड टू एनीथिंग?